केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 2003 वाली सरकार को कोई नहीं भूलेगा। केबीसी यानी कौन बने करोड़पति के खेल की तरह 2003 वालों को लॉक किया जाए। आने वाले 2003 के विधानसभा चुनाव में 2003 वाले लोगों को लॉक कर दिया जाएगा। सिंधिया ने कहा कि जब 15 महीनों की सरकार ने वादा खिलाफी की तो धूल चटाने के लिए मैदान में सिंधिया परिवार का सदस्य खड़ा था। जब जनता के साथ छल कपट किया था तो मेरी आजी अम्मा विजया राजे सिंधिया ने डीपी मिश्रा की सरकार गिराई थी। उसी आजी का पोता आपके सामने खड़ा है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। 90 विमान भेजे हमने नागर विमानन मंत्रालय के आधार पर। 90 विमान 6 एयरलाइंस के गए यूक्रेन से हमारे बच्चों को। दो हजार तीन वाले क्या कहते हैं? उनका नाम ही रखना 2003 वाले। कोई नहीं बोले। बोलो मेरे साथ, ये 2003 वाले आप पर मेरा कोड है। ये सारे जी का शो है। कौन बनेगा करोड़पति तो लॉक किया जाए। और मुझे लगता है 2023 में 2003 के लोगों को, मैंने नहीं बोला, आपको रोमानिया जाना होगा। आपके साथ 4 भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को भी मैं भेज रहा हूं। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वहां डटे रहो। और एक मैं निवेदन आपको कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्द हैं। साल में माता जी को मिलेंगे। मेरे बच्चे होनहार हों, केवल शिवपुरी के स्कूलों में आप लोगों का शिक्षा प्राप्ति न हो, लेकिन जब ऊर्जा मंत्री मैं बना तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन 2,00,000 करोड़ की कंपनी का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज अगर देश में बन रहा था तो 150 करोड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज सतनवाड़े पे खड़ा कर दिया। आज उसी हाईवे पे मैं आ रहा था, शिवपुरी में डॉक्टर नहीं मिलते थे, बिस्तर में अस्पताल में बिस्तर नहीं मिलता था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि शिवपुरी जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा। कितना सुंदर आप लोगों ने देखा है मेडिकल कॉलेज सतनवाड़े के पास, देखा है कि नहीं? 200 करोड़ का मेडिकल कॉलेज। आने वाले पीढ़ी के डॉक्टर अब मुंबई दिल्ली में नहीं बनेंगे, मेरे शिवपुरी में बनेंगे। बिजली की किल्लत होती थी जिस शिवपुरी के गांव-गांव में, जिस शिवपुरी के शहर में वोल्टेज, हमारे बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता, जो 2003 के पहले मुख्यमंत्री होते थे, कमलनाथ जी तो अभी बने थे 2018, उनसे बड़ा नेता बने थे मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं लेने वाला हूं, समझदार को इशारा कर दिया। कोई भूलेगा भी नहीं, रात के सपने में भी जाए जाएंगे। सही है कि नहीं?
रात में लाइट नहीं होती थी पर उनका चित्र आ जाता था। मेरी आत्मा की एक एक कण मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा सदैव मेरे शिवपुरी गुना और अशोकनगर का था, आज भी है और जिंदगी की आखिरी का। मैं कभी नहीं भूल सकता एक ऋण है मेरे मन में मेरी आत्मा में। शांत हो जाए। एक ऋण है मेरे मन में मेरी आत्मा में। मेरे इस परिवार के प्रति, इस समूचे अंचल के प्रति। सेंसर पे लाइट पड़ रही ना तो वो लग आ रहा है। जब दुख का पहाड़ टूटा था एक जवान युवा आपके समक्ष आया था, वो दिन एक ऐसी अंधेरी रात बन चुकी थी। दिल टूटा था, मन बेबस था, लेकिन जो ढाढ़स, जो प्रेम और आशीर्वाद गुना शिवपुरी की जनता ने उस 30 साल के युवा को प्रदान, मैं जिंदगी के आखिरी क्षण तक आपका ऋणी रहूंगा। और इसलिए मेरा आपके साथ रिश्ता इस वार्ड 35 में केवल नहीं, शिवपुरी के एक एक वार्ड के साथ, इस अंचल के एक एक ग्राम पंचायत के साथ एक राजनीतिक रिश्ता नहीं, एक रिश्ता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।